icon to get the latest updates. नमस्कार, मेरा नाम पिंटू सिंह यादव है और आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज लाइव। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के बाहुबली मुख्तार अंसारी के विधायक बेटे अब्बास अंसारी नाम है उनका, जो कासगंज जेल में बंद है, वो कई सारे मामलों में विचाराधीन है। उनके पिता के 40वें में सुप्रीम कोर्ट ने राहत नहीं दिया और वो अपने पिता के 40वें में नहीं जा पाए। इस कड़ी में अब जो है अब्बास अंसारी को एक और तगड़ा झटका लग गया है। पूरी जानकारी क्या है, चलिए जानते हैं। दोस्तों, बात करें तो इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में मऊ विधानसभा सीट से विधायक अब्बास अंसारी की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। ईडी ने अब्बास अंसारी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था। अदालत ने अपने आदेश में कहा कि प्रथम दृष्टया पैसे के लेन देन का संबंध साबित होता है और धन शोधन निवारण अधिनियम के प्रावधानों के तहत अदालत इस बात से संतुष्ट नहीं है कि अभियुक्त इस मामले में निर्दोष है। जस्टिस जसप्रीत सिंह की एकल पीठ ने अब्बास की अर्जी खारिज करते हुए यह आदेश पारित किया है। आरोप है कि मेसर्स कंपनी विकास कंस्ट्रक्शन नाम की कंपनी मनी लॉन्ड्रिंग में सीधे तौर पर शामिल है, जिसने जमीनों पर कब्जा कर गोदामों का निर्माण कराया और उन गोदामों को एफसीआई को किराया देकर 15 करोड़ रुपए से अधिक की कमाई की है। कंपनी पर नाबाई से 2.25 करोड़ रुपए की सब्सिडी भी प्राप्त करने का आरोप है। कंस्ट्रक्शन कंपनी में ज्यादातर हिस्सेदारी अभियुक्त की मां अफसा अंसारी तथा विकास कंस्ट्रक्शन सीधे तौर पर मेसर्स आगाच संबंधित है, जो अभियुक्त के नाना की कंपनी जो है वो बताई जाती है। अब्बास अंसारी की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने दलील दी कि अगर दोनों कंपनियां मनी लॉन्ड्रिंग में शामिल भी है तो इसमें अभियुक्त का सीधे कोई संबंध नहीं है। वहीं ईडी ने जमानत का विरोध करते हुए दलील दी कि वक्त दोनों फर्म के खातों में अब्बास अंसारी के खातों में पैसे आते थे और ये पैसे वो अपने व्यक्तिगत खर्चों के तौर पर इस्तेमाल करते थे, जिसमें विदेश घूमना और स्पोर्ट राइफल शूटिंग के लिए हथियारों का आयात शामिल है। ईडी ने दलील दी है कि अभियुक्त ने शुरुआत में विवेचना में तब तक सहयोग नहीं किया जब तक उनके खिलाफ लुकआउट नोटिस नहीं जारी हुआ था। अब बड़ी खबर यह है कि अब्बास अंसारी को इस मामले में बड़ा झटका लगा है। बाकी इस खबर पर अपने बताए। धन्यवाद।